टाटा टेक्नोलॉजीज एंड गांधार के आईपीओ में ऑलमोस्ट हर कोई खुश था क्योंकि किसी ना किसी में तो उन्हें अलॉटमेंट मिला ही था अगर आपने अपने फैमिली के हर एक अकाउंट को प्रॉपरली यूटिलाइज किया फंड्स का मैनेजमेंट सही किया तो और लिस्टिंग पे सबको मजे आ चुके थे पर अभी भी आपके लिए क्रिसमस और न्यू ईयर का गिफ्ट बाकी है आईपीओ मार्केट की तरफ से मतलब ये कि दिसंबर में काफी हॉट रहने वाला है आईपीओ का मार्केट काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज हमारे सामने आईपीओ लेके आने वाली है तो डिस्कस करने में बड़ा मजा आएगा आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बेसिक से लेके एडवांस सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे इस वीडियो के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होने वाली 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट के रिलेटेड कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है और सारा का सारा काम इनहाउस करती है डिजाइनिंग डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग से रिलेटेड 40 से ऊपर कंट्रीज में कंपनी अपना काम फैला चुकी है एक अच्छी रेंज मिल चुकी है अफ्रीका अमेरिका एशिया पैसिफिक यूरोप और मिडल ईस्ट में काफी अच्छा इनका चैनल बन चुका है

अप्लाई करना पड़ेगा आईपीओ से पहले प्रमोटर के पास हंड्रेड होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद होल्डिंग रह जाएगी। QIB के 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 लिए 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 75% रिटेल रिटेल सिर्फ 10% और के लिए 15% रहेगा इस में। इस आईपीओ आईपीओ में। में तो बिकॉज़ प्राइस बैंड है रिटेल में अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ प्राइस को चूज करना पड़ता है और एच में आपको सेवन नाइनटी के प्राइस को टाइप करके लिखना पड़ेगा ट्वेल्व हंड्रेड करोज का टोटल आईपीओ का साइज है थ्री फिफ्टी करोज है फ्रेश इश्यू एंड बैलेंस एट फिफ्टी करोज होने वाला है ऑफर फॉर सेल फाइनेंशियल्स पे भी नजर डाल देते हैं टोटल एसेट्स फोर फिफ्टी सेवन करोज से ट्वेंटी में बढ़ते बढ़ते

बढ़ते बढ़ते हंड्रेड करोड के ऊपर का प्रॉफिट हो गया है और अभी भी सितंबर 2023 तक रफली आपको 74 करोड का प्रॉफिट मिल चुका है बोरेंस भी आज के दिन बढ़ते बढ़ते 176 करोड़ पे पहुंच गई है पर डेट टू इक्विटी रेशियो पॉइंट है तो काफी कंट्रोल्ड है

ट्वेल्व हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीस का इसकी अगर मैं लो रेंज की बात करूं तो इनिशियली यहां पे काफी लो चल रहा था ग्रे मार्केट प्रीमियम फिर धीरे धीरे स्पेशली सेवेंथ एंड एट ऑफ दिसंबर से यहां पे ग्रे मार्केट में काम अच्छे से स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 385 रुपीस के आसपास का मतलब के के आसपास के गेन की के एक्सपेक्टेशन चल रही थी जो बढ़ते बढ़ते अभी 60 परसेंट से ऊपर की चली गई है मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ये एक काफी अट्रैक्टिव आईपीओ हो गया है जिसे स्टडी करना डिटेल में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हमने कवर कर लिया है आईपीओ के अगर तो इसमें एक अच्छा पोर्शन ऑफ ओ है जहां पे एक अच्छा खासा माल एक अच्छे ठीक वैल्यूएशन पे ओनर्स के पास वापिस जा रहा है प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये भी सोचना होगा कि अगर ये सेम लिस्टिंग आपको मिल जाता है जो रफली सिक्सटी का है उस समय इस आईपीओ की वैल्यूएशन स्पेशली इन पी रेशियो आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट के ऊपर की तो क्या वहां पे भी वो अट्रैक्टिव रहेगा और कितना रहेगा वो क्वेश्चन आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा एक्साइटमेंट आई एम वेरी श्योर आपका काफी ज्यादा होगा इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते ही पर आप क्या करेंगे रिटेल में या फिर एच में या फिर अवॉइड करेंगे अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कमेंट कर दीजिएगा हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन